तो बड़ी खबर मुंबई से है, जहां एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन है। 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक का निधन हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। तो तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल जा रहे थे सतीश, और हार्ट अटैक आने से उनका निधन हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हुआ है। और निधन के एक दिन पहले उन्होंने होली खेली थी। दोस्त अनुपम खेर ने ट्वीट कर दुख जताया है। तो उन्होंने लिखा कि जिगरी दोस्त को उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए दुख जताया है। लिखा कि मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, लेकिन अपने जिगरी दोस्त के बारे में ये लिखूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था, अनुपम खेर। इसके साथ ही सीएम भगवंत मान ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा कि आप दिलों में जीवित रहेंगे। और इसके साथ अमित शाह ने भी सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि निधन के एक दिन पहले होली खेली थी, दोस्तों संग होली खेलते रहते थे सतीश कौशिक। सोशल मीडिया पर उन्होंने होली की फोटोज भी शेयर की थी। निधन के बाद पोस्ट देख भावुक हो गए थे फैंस। और ये अजय देवगन ने भी ट्वीट किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मधुर भंडारकर ने भी सतीश कौशिक को याद किया है, और अजय देवगन ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। तो आपको बता दें कि 9 मार्च की सुबह इतनी काली होगी, किसी ने सोचा नहीं था। इस दिन को हिंदी सिनेमा में ब्लैक डे के नाम से याद किया जाएगा, क्योंकि इस दिन बॉलीवुड ने दिग्गज कलाकार सतीश कौशिक को हमेशा के लिए खो दिया है। आपको बता दें कि मौत से एक दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थे। 7 मार्च को उन्होंने मुंबई के जू में शबाना आजमी के घर होली पार्टी अटेंड की थी। यहाँ सतीश कौशिक ने अपने करीबियों संग धमाकेदार अंदाज में होली का जश्न भी मनाया था। उन्होंने होली सेलिब्रेशन की एक तस्वीर उसको भी शेयर किया था। सतीश कौशिक के होली सेलिब्रेशन में महिला महिमा चौधरी, जावेद अख्तर, ऋचा चड्ढा और अली फजल भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने दोपहर तक पार्टी में खूब इंजॉय किया और फिर उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तो गृह मंत्री अमित शाह, अजय देवगन सहित कई कलाकारों ने ट्वीट कर शोक जताया है। तो रंगों भरा था सतीश कौशिक का आखिरी पोस्ट। सतीश कौशिक की अचानक मौत ने फिल्म इंडस्ट्री को सकते में डाल दिया है। मौत से पहले सतीश कौशिक ने मुंबई में जमकर होली खेली थी। इस दौरान की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने शेयर की थी। उन्होंने कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि जुहू के जानकी कुटीर में जावेद अख्तर बाबा आजमी के साथ खूब रंगों भरी होली खेली। इस दौरान न्यूली बेड खूबसूरत कपल अली फजल और ऋचा चड्ढा से भी मुलाकात हुई। सभी को हैप्पी होली।